क्या सच में है सरस्वती नदी का अस्तित्व? क्या जमीन के नीचे बह रही है सरस्वती नदी? सरस्वती नदी का नाम तो सभी ने सुना होगा, लेकिन उसे आज तक किसी ने देखा नहीं है। माना जाता है कि प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, इसीलिए उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। तो क्या सचमुच सरस्वती नदी कभी प्रयागराज पहुंचकर गंगा या यमुना में मिली? और अगर नहीं मिली तो इसे क्यों कहा जाता है त्रिवेणी संगम? हालांकि अब वैज्ञानिकों को संगम के नीचे कुछ ऐसा मिला है जिससे सरस्वती नदी के विलुप्त होने की गुत्थी को सुलझाया जा सकेगा। प्रयागराज में संगम के नीचे मिली सरस्वती नदी। जमीन के 45 मीटर नीचे हो रहा है नदियों का संगम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्विस से हुई नदी की खोज। भारतीय वैज्ञानिकों को संगम के नीचे लगभग 12,000 साल पुरानी नदी मिली है। माना जा रहा है कि ये ऋग्वेदिक काल की विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी हो सकती है। दरअसल वैज्ञानिक काफी समय से संगम तट पर इस विलुप्त हो चुकी नदी की खोज कर रहे थे। वैज्ञानिकों ने नदी की खोज के लिए तमाम हाईटेक उपकरणों का इस्तेमाल किया था और इन उपकरणों के इस्तेमाल से ही इस विलुप्त हो चुकी नदी को तलाशने की कोशिशों में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। वैज्ञानिकों ने नदी की तलाश के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे किया था और इसी सर्वे से इस बात के पुख्ता प्रमाण मिले हैं कि संगम के नीचे 45 किलोमीटर लंबी ये प्राचीन नदी मौजूद है। मौजूदा समय में संगम तट पर गंगा और यमुना नदियों का मिलन होता है। ऐसे में इन दोनों की तलहटी में मौजूद सरस्वती नदी में पानी का विशाल भंडार होने का अनुमान है। CSIR NGRI के वैज्ञानिकों के इस संयुक्त अध्ययन को एडवांस अर्थ एंड स्पेस साइंस जर्नल में प्रकाशित भी किया गया है। वैज्ञानिकों को जिस नई नदी के बारे में पता चला है वो सरस्वती नदी हो सकती है, क्योंकि पुराणों में इस नदी का जिक्र किया गया है। खोज के दौरान वैज्ञानिकों को पता चला कि विंध्य फॉर्मेशन के अंतर्गत आने वाली एक पुरानी नदी गंगा और यमुना की तलहटी में मौजूद है। इस खोज में ये भी पता चला कि जमीन के नीचे बहने वाली इस नदी का एक्वीफियर सिस्टम और पुरातन नहरें आपस में जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे की पानी की ज़रूरतों को पूरा कर रही हैं। इसकी लंबाई 45 किलोमीटर, चौड़ाई 4 किलोमीटर और गहराई 15 मीटर है, और जब ये पानी से पूरी तरह भरी रहती है तो ये ज़मीन के ऊपर 1300 से 2000 वर्ग किलोमीटर के इलाके को भूजल देती है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर वैज्ञानिकों को नदी खोजने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? तो इसका जवाब है पानी। ये तो आप सभी जानते हैं कि किस तरह से पूरी दुनिया में पानी का जल स्तर गिर रहा है और आने वाले समय में लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। इस गिरते जल स्तर को लेकर वैज्ञानिक गंगा बेसिन में पानी के अतिरिक्त स्रोत की खोज कर रहे थे, क्योंकि हाल के सालों में गंगा का जल स्तर भी काफी कम हुआ है। इस खोज के दौरान वैज्ञानिक संगम का 3D इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें जमीन के 45 मीटर नीचे पानी के इस स्रोत का पता चला।